Hello friends, welcome to Learner's Planet. Friends, this is our fourth session for English speaking, writing and reading skills. In the previous sessions, we have discussed usage of is, am and are. Then we discussed the sentences using there, is and there are. In this session, we'll discuss simple present tense. So before we proceed for simple present tense, first let's discuss different type of tenses. Okay. Now there are three types of tenses. तीन तरह के tenses होते हैं. हिंदी में अगर हम कहें तो तीन तरह के काल होते हैं. Present, past and future. Present means वर्तमान काल, past means भूतकाल and future means भविष्य काल. Okay. Today, present represents टुडे. आज की अगर हम बात करें इसका मतलब हम प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं. कल की अगर हम बात करें, अगर बीते हुए कल की, जैसे लास्ट वीक, लास्ट ईयर मतलब पिछले हफ्ते, पिछले साल, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, देन इट इज पास्ट टेंस. ओके. फ्यूचर टेंस मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर. आने वाले कल की, आने वाले दिनों की हम बात कर रहे हैं. जैसे नेक्स्ट वीक, अगला हफ्ता, नेक्स्ट ईयर, अगले साल, टुमारो आने वाला कल. ओके. सो इंग्लिश में तीन टाइप के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. हिंदी में भी तीन ही टाइप के टेंसेस होते हैं, इंग्लिश में भी तीन ही टाइप के टेंसेस होते हैं. ओके. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट मीन्स आज की बात, पास्ट मीन्स बीते हुए कल की बात एंड फ्यूचर मीन्स आने वाले कल की बात. ओके. नाउ वी सी द पार्ट्स ऑफ दीज टेंसेस. हियर सिंपल कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. हियर इट्स present simple, present continuous, present perfect continuous. Similarly, past simple, past continuous, past perfect continuous. Similarly, future simple, future continuous, future perfect and future perfect continuous. Okay, so we'll be taking all these tenses. In all there will be 12 patterns. Each and every pattern we will take one by one. Okay. So first of all, let's take present simple tense. Okay. So let's discuss present simple tense. Friends, we have already discussed persons in our first session. First person, second person, third person. First person जो बोल रहा है, second person जो सुन रहा है, the listener. First person the speaker, second person the listener, third person जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है. So first person I and we, second person you, third person he, she, it, name of the person or they and name of the persons. Okay. So ये आपको अच्छे तरह से याद होना चाहिए. First person singular, first person plural, second person singular, second person plural, third person singular, third person plural. Okay. क्योंकि ग्रामर में थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए रूल्स अलग अलग होते हैं, सेंटेंस फ्रेमिंग अलग अलग होती है. ओके. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. ओके. सो स्पीकर, लिसनर एंड द थर्ड पर्सन. ना इससे पहले कि हम ये समझे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ पर यूज किया जाता है, पहले हम कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं. ओके. सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन प्रेजेंट सिंपल टेंस. जया सिंग्स वेरी वेल. जया बहुत अच्छा गाती है. शी गोज़ टू द म्यूज़िक क्लब एवरी डे. मैं हिंदी में साथ में ट्रांसलेट करते जा रही हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि कहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ होता है. शी गोज़ टू म्यूज़िक क्लब एवरी डे. वो रोज़ म्यूज़िक क्लब जाती है. द सन राइजेस इन द ईस्ट. सूरज पूरब में उगता है. आई लाइक पिज़्ज़ा. मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है. मिस्टर शर्मा अराइव्स एट द ऑफिस एट 9 o'clock. मिस्टर शर्मा 9 बजे ऑफिस आते हैं. ही वर्क्स ऑन अ कंप्यूटर. वो कंप्यूटर पर काम करते हैं. द डॉग वाक्स एट द स्ट्रेंजर्स. जो कुत्ता है वो अजनबियों पर भौंकता है. ओके. सो इन सब चीज़ों में आपने, इन सब सेंटेंसेस में आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि सब जगह हम कुछ किसी के डेली रूटीन की बात कर रहे हैं, किसी की आदत की बात कर रहे हैं. ओके. सो लेट्स सी द फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल. Okay, for that I'll just give you a formula. That formula will be very useful for you. Okay, so you will not get confused at any stage how to make a sentence in present simple tense. Okay, so let's learn the formula to make a sentence in present simple tense. Here, subject plus first form of the verb. Sometimes S, ES, IES are used. Where do we use them? I'll explain later on. Plus object. So it's very simple formula. Subject means noun या pronoun कुछ भी हो सकता है. First form of the verb. The verb के तीन forms होते हैं आपको पता है. Present, past and past participle. Okay. So तीनों form में से हम यहाँ पर first form verb की use करते हैं. कभी कभी उनके साथ में S, ES, IES लगाना होता है. वो कहाँ लगाना होता है? That I'll explain you. Okay. Plus object. Okay. So to form a sentence in simple present tense, the basic form of the verb is used. Basic form of the verb means first form of the verb. Okay. Now S, ES, IES हम कहाँ लगाते हैं? We add S, ES, IES to the verb for third person singular. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है. ओके, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में जब हम प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस बनाते हैं तो वर्ब के साथ एस, ईएस या आईईएस लगाते हैं. ओके, नाउ अभी अपन कुछ सेंटेंसेस बोल करके प्रैक्टिस करते हैं. ध्यान से सुनिए. आई वर्क, यू वर्क, बट ही वर्क्स. आपने देखा ही, शी एंड इट, ये तीनों थर्ड पर्सन सिंगुलर है. सो इनके साथ में हम वर्ब के साथ में एस, ईएस, आईईएस जो भी सूट होता है वो लगाते हैं, जो भी एप्लीकेबल है वो लगाते हैं. ओके, सो आई वर्क, यू वर्क, बट ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स, रवि वर्क्स. ओके, एंड वी वर्क, यू वर्क, दे वर्क. Now they is also third person, but they is third person plural. Okay, इसलिए they के साथ में हम लोग works use नहीं करेंगे. तो works हम कहाँ use करेंगे? Third person singular के साथ में. Okay, अपनी डे टू डे लाइफ में कई बार आप लोगों ने सुना होगा, कोई भी इस तरह से बात करता है, he go, she go, राधा go. ये सब कुछ गलत है, ये सब बिल्कुल गलत है. he के साथ कभी भी go नहीं आता, she के साथ कभी भी go नहीं आएगा. नेम ऑफ द पर्सन अगर एक पर्सन है तो उसके साथ कभी भी गो नहीं आएगा. आप क्या बोलेंगे? ही गोज, शी गोज, राधा गोज. ओके, बिकॉज ही, शी, इट, राधा, नेम ऑफ द पर्सन, ऑल ऑफ देम आर सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर. ओके, इसलिए वर्ब के साथ में एस, ईएस, आईईएस यूज करना ही है. ओके, सो दिस वे यू कैन फ्रेम टू मैनी सेंटेंसेस. I work, I go, you go, he goes, she goes, it goes, Ravi goes. We go, you go, they go. Okay. I sing, you sing, he sings, she sings, it sings, Ravi sings, we sing, you sing, they sing. Okay. बहुत सारे sentences आप frame कर सकते हैं. बहुत सारे sentences frame करिए, बोलते रहिए. So as I told you earlier also, this way you are training your mind as well as your tongue. Okay, धीरे धीरे जुबान को आदत हो जाएगी he, she और it, that means third person singular के साथ में s, es और ies verb के साथ में use करने के लिए. Okay, तो जुबान को आदत हो जाएगी तो आपके मुँह से कभी भी गलत नहीं निकलेगा. Okay, I teach, you teach, he teaches, she teaches, it teaches, Ravi teaches. We teach, you teach, they teach. Okay, let's take some more examples. She catches the ball. Okay, not she catch the ball, she catches the ball. वो ball पकड़ती है. Okay, she catches. Okay, अगर I, we और you के साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? I catch the ball, you catch the ball, he catches the ball, she catches the ball, we catch the ball. Okay, so difference lag raha hai, aapko samajh aa raha hai? Fir Ravina goes to school. Again Ravina ek naam hai, third person singular है तो goes आएगा. verb के साथ में es आया है. Okay, क्योंकि go के साथ में es लगता है. so Ravina goes to school, Ravina school जाती है. ओके, रवीना स्कूल जाती है, रवीना रोज स्कूल जाती है। ओके, सो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ, रवीना स्कूल जाती है, रवीना गोज टू स्कूल, रवि गोज टू स्कूल, कवि गोज टू स्कूल, I go to school, you go to school, they go to school. Okay, so with third person singular we will use goes, and with all other we'll use go. Okay, similarly she studies in grade 5. Okay, यहाँ पर हमने s use किया, यहाँ पर es use किया, यहाँ पर ies. Okay, study, study and studies. Okay, basically it is study. Basic form of the verb is study. So when we put ies, we remove y. Okay. So she studies in grade 5. He studies in grade 5. I study in grade 5. You study in grade 5. They study in grade 5. Rama studies in grade 5. Okay. So you're getting the difference? समझ आ रहा है आपको? Now. My mom teaches me. Again, my mom, that is third person singular. Okay, हम मम्मी के बारे में बात कर रहे हैं, that means किसी third person के बारे में बात कर रहे हैं, and mom is singular, so we will use teaches. Okay, so my mom teaches me. मेरी मम्मी मुझे पढ़ाती है. My father teaches me. मेरे पापा मुझे पढ़ाते हैं. You teach me. आप मुझे पढ़ाते हो. We teach you. हम तुम्हें पढ़ाते हैं, इस तरह से. ओके, नाउ माय सिस्टर टेक्स अ कप ऑफ टी एवरी मॉर्निंग. मेरी बहन रोज सुबह एक कप चाय पीती है. ओके, अगेन माय सिस्टर थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए टेक के साथ में एस लगाया है. ओके, सो माय सिस्टर टेक्स अ कप ऑफ टी एवरी मॉर्निंग. Okay, my brother takes a cup of tea every morning. He takes a cup of tea every morning. She takes a cup of tea every morning. We take, not we takes. We take a cup of tea every morning. You take a cup of tea every morning. I take a cup of tea every morning. They take a cup of tea every morning. So, जिस तरह से मैं बार बार sentences बोल रही हूँ आप भी बोलिए, तो धीरे धीरे आपकी जुबान को और दिमाग को आदत हो जाएगी. Okay, सही बोलने की. Okay, so you need to read all the sentences at least for 3 times with all nouns and pronouns. Okay, so precisely you have to use I, we, you, they, name of one person, name of two persons. Okay, और इन सब के साथ में आपको ये सारे sentences बोलने हैं इस सेशन को pause करके. Okay. Now we discuss when do we use present simple form of the verb. कहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस हम यूज़ करते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ और फैक्ट्स के केसेस में. ओके, यूनिवर्सल ट्रुथ और फैक्ट्स मीन्स जो चीज़ परम सत्य है. ओके, जो हमेशा के लिए सच है, जिसको कभी भी आप झूठा साबित नहीं कर सकते. जैसे द मून गोज राउंड द अर्थ, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है. नाउ दिस इज़ अ फैक्ट, हमेशा के लिए ये ट्रू है. ओके, सो इसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ और इट इज अ फैक्ट. ओके, सो द मून गोज अराउंड द अर्थ. नाउ द मून थर्ड पर्सन है इसलिए गो के साथ में ई एस लगाया है. थर्ड पर्सन सिंगुलर मून इज, सो वी यूज गोज. ओके, सिमिलरली द सन सेट्स इन द वेस्ट. सूरज हमेशा पश्चिम में डूबता है. नाउ ये भी हमेशा के लिए सत्य है. ओके, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ. ओके, so we use present simple tense. The sun sets in the west. Sun वापस third person singular है इसलिए s लगाया है verb के साथ में. When the sun sets, जब सूर्य डूबता है, birds go to their home. चिड़िया अपने घर चले जाती हैं. Now birds यहाँ पर देखिए third person है लेकिन plural है इसलिए हमने goes नहीं use करके go use किया है. Okay? When the sun sets, जब सूरज डूबता है चिड़ियाएँ अपने घर चली जाती हैं. ओके, सन थर्ड पर्सन सिंगुलर, बर्ड्स थर्ड पर्सन प्लूरल. थर्ड पर्सन सिंगुलर होने की वजह से सन के साथ में सेट्स यूज़ किया है और थर्ड पर्सन प्लूरल होने की वजह से बर्ड्स के साथ में हम सिर्फ गो यूज़ कर रहे हैं, गोज यूज़ नहीं कर रहे. ओके, सो द सन सेट्स इन द वेस्ट, व्हेन द सन सेट्स बर्ड्स गो टू देयर होम. ओके। उसके साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस हम आप कहाँ यूज करते हैं? रिपीटेड और रेगुलर एक्शंस के लिए। ओके, सो एग्जाम्पल, द क्लास स्टार्ट्स एट 9 o'clock एवरी डे। ये क्लास रोज सुबह 9 बजे शुरू होती है। अब रिपीटेड एक्शन और रेगुलर एक्शंस के हम काफ़ी सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे आप रोज़ नहाते हैं, रोज़ ब्रश करते हैं, रोज़ लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, वॉक के लिए जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, बस में जाते हैं। काफ़ी सारे काम ऐसे जो आप रोज़ करते हैं, रिपीटेडली करते हैं। ओके, सो आई ब्रश माई टीथ एवरी डे, आई टेक अ बाथ एवरी डे, आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई गो टू ऑफिस एवरी डे, आई कम फ्रॉम ऑफिस एट 5 o'clock। Okay, so these type of sentences. The trains for Mumbai leave every hour. Again, trains. You can see it's a third person, but it is plural. इसलिए यहाँ पर leave use किया है, leaves use नहीं किया है. Okay, मुंबई के लिए हर घंटे में ट्रेन यहाँ से निकलती है. So the trains for Mumbai leave every hour. अगर यहाँ पर ट्रेन होता तो यहाँ पर leaves होता. Okay. खैर वो फ्रेमिंग गलत होती, बिकॉज हर घंटे अगर ट्रेन निकल रही है तो ट्रेन प्लूरल में ही होना चाहिए। सो द ट्रेन्स फॉर मुंबई लीव एवरी आवर। ओके, हैबिचुअल एक्शंस और वी कैन से रूटीन, जो हमने पहले यहाँ पर बात किया, रिपीटेड और रेगुलर एक्शन, इन सब केसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। ओके, नाउ हैबिचुअल एक्शन का मतलब क्या है? जो आपको जो करना आपकी हैबिट है। ओके, सो जैसे आई यूजुअली टेक माई लंच इन स्कूल। मैं जनरली या अपना खाना जो है वो स्कूल में ही खाता हूँ, लंच जो है वो स्कूल में ही खाता हूँ या खाती हूँ। समीरा ऑलवेज प्लेस सॉकर इन फील्ड। समीरा हमेशा फील्ड में, गार्डन में खेलती है। रवि गोज टू स्कूल डेली। और जब भी हम हैबिचुअल एक्शंस बताते हैं, हम लोग जनरली यूजुअली, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, फ्रिक्वेंटली, ऐसे एडवर्ब्स यूज करते हैं। ओके, सो आई ब्रश माई टीथ डेली, शी यूजुअली टेक्स लंच एट ऑफिस, आई ऑलवेज टेक लंच एट माई स्कूल और स्कूल्स गार्डन, शी फ्रिक्वेंटली गोज टू शॉपिंग मॉल, my mother often goes to temple, I usually buy my clothes from this market. Okay, so इस तरह के habitual actions। इसी तरह से the things which are always generally true in the present time period. For example, I live in a very big house in Delhi. मैं एक दिल्ली में एक बहुत बड़े मकान में रहता हूँ। Okay? और अगर आपको ही शी के साथ बोलना है तो क्या बोलेंगे? ही लिव्स इन अ वेरी बिग हाउस इन दिल्ली, शी लिव्स इन अ वेरी बिग हाउस इन दिल्ली, दिस मैन लिव्स इन अ वेरी बिग हाउस इन दिल्ली। ओके, सो ये बात, मैं दिल्ली में एक बहुत बड़े घर में रहता हूँ, ये एज ऑफ नाउ ट्रू है। अभी की आज के तारीख में अगर हम बात करें तो ये बात सच है। फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं, हम इस घर में रहेंगे या नहीं रहेंगे, बट आज की डेट में हम इस घर में रहते हैं। ओके, नाउ इट रेन्स अ लॉट इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, दक्षिण भारत में बहुत बारिश होती है। ओके, इट रेन्स अ लॉट इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मैनी पीपल गो टू कश्मीर एवरी ईयर। बहुत सारे लोग हर साल कश्मीर जाते हैं, कश्मीर घूमने जाते हैं। ओके, क्योंकि मैनी पीपल यहाँ पर थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर गो आया है। ओके, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता, सपोज शी, तो ऐसा होता शी गोज टू कश्मीर एवरी ईयर, ही गोज टू कश्मीर एवरी ईयर। हो सकता है किसी की आदत हो हर साल कश्मीर घूमने जाने की, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो हर साल कश्मीर घूमने जाता है, वो हर साल कश्मीर घूमने जाती है, या मैं हर साल कश्मीर घूमने जाता हूँ। ओके, या मैं हर साल कश्मीर घूमने जाती हूँ, कुछ भी। ओके, नाउ रीड दिस इंफॉर्मेशन अबाउट सिया। सिया इज अ प्रोफेशनल सिंगर, शी सिंग्स वेरी वेल, शी एंजॉयज हर वर्क, शी वर्क्स वेरी हार्ड एंड अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, शी लिव्स इन अ बिग हाउस, शी लिव्स अ वेरी हेल्दी लाइफ, शी गोज टू बेड अर्ली एंड गेट्स अप अर्ली, She carries her lunchbox to her workplace. She chooses nice songs to sing. Every week she goes to a small school. There she teaches poor children. सिया एक गायक कलाकार है. वो बहुत अच्छा गाती है. वो अपने काम को बहुत पसंद करती है. वो बहुत मेहनत करती है और बहुत पैसा कमाती है. वो एक बड़े घर में रहती है. वो एक स्वस्थ जीवन जीती है. वो जल्दी सोने को जाती है और सुबह में जल्दी उठती है. वो अपना लंच बॉक्स मीन्स खाने का डब्बा अपने ऑफिस या वर्क प्लेस पर साथ में लेके जाती है. शी चूजेस नाइस सॉन्ग्स टू सिंग. वो अच्छे गाने गाती है. हर हफ्ते वो एक छोटे स्कूल में जाती है जहाँ पर वो गरीब बच्चों को पढ़ाती है. Okay, so you just pause this session over here and read out all the sentences at least for 3 times. Okay, and what else you can do is instead of Siya or she, you can use he also, you can use we also, you can use I also, you can use they also. Okay, I put up an example over here. Now listen to me carefully. I'm a professional singer. I sing very well. I enjoy my work. I work very hard and earn a lot of money. I live in a big house. I live a very healthy life. I go to bed early and get up early. I carry my lunchbox to my workplace. I choose nice songs to sing. Every week I go to a small school. There I teach poor children. Okay, so with I, आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने सिंग्स एन्जॉयज वर्क्स ये सब वर्ड यूज़ नहीं किए. मैंने क्या यूज़ किया? सिंग, एन्जॉय, वर्क, लिव, गो, कैरी, चूज, गो, टीच. ओके, नाउ अगर सिया की जगह हम दे यूज़ करें, ओके, तो क्या होगा? दे आर प्रोफेशनल सिंगर्स. दे सिंग वेरी वेल. दे थर्ड पर्सन प्लूरल है इसलिए सिंग्स नहीं होकर के सिंग होगा. दे सिंग वेरी वेल. They enjoy their work. They work very hard and earn a lot of money. They live in a big house. They live a very healthy life. They go to bed early and get up early. They carry their lunch boxes to their workplace. They choose nice songs to sing. Every week they go to a small school. There they teach poor children. Okay, so this way you can use the name of a person also, some other person. Instead of Siya, you can use maybe Ram, Ravi, whatever. Okay, and just read out all the sentences 3 to 4 times. So this way you will be training your tongue as well as your mind. Okay. Now let's do this exercise. We need to put up the correct form of the verb over here. Right, let's take the first one, and once again I would suggest you just pause the session, try to do all the questions on your own, then match your answer with mine. Okay, so the river, now it's a third person singular, so what we will use? Flows. The river flows through Rishikesh. Ravi loves to eat potato chips. My mother works in an office. That student comes late every morning. Doctors and engineers get. Okay, now doctors and engineers third person plural, इसलिए यहाँ पर get आएगा, gets नहीं. Okay, so doctors and engineers get high salaries. My grandmother tells a story every night. My parents third person plural, मम्मी और पापा हम दोनों की बात कर रहे हैं तो third person plural. So my parents go on holiday to hills every summer. It rains a lot in Kerala. Children third person plural है. Children is plural of child. Okay, so children learn foreign languages easily. Mr. Verma is a teacher. He teaches maths. Okay, Shreya is a singer. She sings pop songs. Bill plays football. Arjun is a taxi driver. He drives all types of taxis. Rahul is a student. He studies law. Khushi is a painter. She paints very nice pictures. Maria is a lazy person. She dreams all the time of getting rich. Gop is a photographer. He shoots nice photographs. Sunil is an interior designer. He designs houses. अब आप क्या करेंगे, सेशन पॉज करेंगे, सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस है वो आंसर समेत आप 3 से 4 बार पढ़ेंगे. ओके, सो बार बार पढ़ने से अगेन आपकी प्रैक्टिस हो रही है. नाउ लेट्स सी नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस इन प्रेजेंट सिंपल टेंस. वी फॉर्म द नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट सिंपल बाय यूजिंग डू नॉट और डज नॉट. नाउ वंस अगेन वी हैव टू लर्न द फॉर्मूला. सब्जेक्ट plus don't or doesn't plus first form of the verb plus object. ओके, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन. डोंट और डजेंट हमें कैसे यूज़ करना है वो डिस्कस करते हैं अभी. फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ लेट्स सी. आई डू नॉट वर्क, और इसका डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा डोंट. सो आई डोंट वर्क और आई डू नॉट वर्क. यू डोंट वर्क. ओके, और ही, शी और इट ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इनके साथ में क्या आएगा, डजंट, डज नॉट या डजंट. ही डजंट, शी डजंट, इट डजंट. ही डजंट वर्क, शी डजंट वर्क, इट डजंट वर्क, राम डजंट वर्क, सीता डजंट वर्क. ओके, देन वी डोंट वर्क, यू डोंट वर्क, दे डोंट वर्क. ओके, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में डजेंट आएगा, बाकी सब केसेस में डोंट आएगा. ओके, लेट्स रीड आउट सम मोर एग्जांपल्स. आई डोंट लाइक चाइनीज फूड, मुझे चाइनीज फूड पसंद नहीं है. ओके, शी डजंट ड्रिंक मिल्क. शी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए डजेंट आ रहा है. ओके, सो शी डजंट ड्रिंक मिल्क, वो दूध नहीं पीती है. टीना डजंट लाइक टू वॉच मूवीज. टीना को मूवीज देखना पसंद नहीं है. ओके, ऐसे ही क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, लेट्स सी. वी यूज डू एंड डस टू फॉर्म क्वेश्चंस इन द प्रेजेंट सिंपल. ओके, वापस फॉर्मूला देखते हैं. डू और डस प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, रीड आउट ऑल दी सेंटेंसेस. डू आई वर्क, डू यू वर्क, लेकिन ही, शी और इट के साथ में क्या आएगा, डज. ओके, अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो वी विल यूज डज. सो डज इट वर्क, डज ही वर्क, डज शी वर्क, डज इट वर्क. फिर डू वी वर्क, डू यू वर्क, डू दे वर्क. ओके, डू आई गो, डू यू गो, डज शी गो, डज he go? Does it go? Okay. Do I teach? Do you teach? Does she teach? Does he teach? Does it sing? Okay. Any. Do we teach? Do you teach? Do they teach? Do you? Do we sing? Do you sing? Do they sing? Okay. Now we can give a short answer to a present simple question like this. Yes, आई डू, नो आई डोंट, यस यू डू, नो यू डोंट, यस शी डज, यस ही डज, यस इट डज, और यस or maybe we can say no he doesn't, no she doesn't, no it doesn't. Yes we do, no we don't, yes you do, no you don't, yes they do और no they don't. Okay, suppose आपसे कोई भी question पूछा गया, जैसे यहाँ पर example है do you drive safely, तो अगर आपको yes में answer देना है तो आप क्या बोलेंगे, मतलब पूरा सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ यस आई ड्राइव सेफली, आप इतना सा भी आंसर कर सकते, शॉर्ट में भी आंसर कर सकते, यस आई डू. ओके, सो यस आई डू, और अगर आपको नहीं बोलना है तो आप क्या बोलेंगे, नो आई डोंट. ओके, सो डज शी ड्राइव सेफली, अगर ऐसा कहा जाए कि किसी लड़की के बारे में कहा जाए कि क्या वो सेफली ड्राइव करती है, तो आप क्या बोलेंगे, यस शी डज और नो शी डजंट. अगेन पूरा सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं है, इतना बोलना काफ़ी है, येस शी डज और नो शी डजेंट. ओके, डज द टीचर गिव होमवर्क एवरी डे, टीचर रोज होमवर्क देती है क्या, अगर देती है तो येस शी डज और अगर नहीं देती है तो नो शी डजेंट. ओके, सिमिलरली, डू दे स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलते हैं? यस दे डू, हाँ वो इंग्लिश बोलते हैं. और नो दे डोंट, दैट मीन्स वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं. Okay, so we can make lot of questions. Suppose I ask you, do you brush your teeth every day? So what will your answer be? Yes, I do, or no, I don't. Okay, do you go to office every day? Yes, I do, or no, I don't. Similarly, does she sing? Yes, she does, or no, she doesn't. Do they teach? क्या वो पढ़ाते हैं? Yes, they do और no, they don't. Does Ram go to office every day? Yes, he does और no, he doesn't. So आप sentences बनाइए, खुद से questions बनाइए और खुद से उनके answers इस तरह से short form में दीजिए. Okay, positive और negative दोनों. Okay, so let's take some more exercises now. Now complete the passage with the correct form of the verb. बहुत ध्यान से इसको करेंगे हम. अभी आप सेशन पॉज कर दीजिए, खुद से पहले करिए, उसके बाद में मेरे साथ में आंसर मैच करिए. ओके, ध्यान रखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में वर्ब के साथ एस और आईईएस यूज करना है. ओके, अमित गेट्स अप एट 7 एंड गोज इनटू द बाथरूम टू वॉश. He washes his face and brushes his teeth. Then he puts on his clothes. Amit's mother and father have coffee. Not has coffee, have coffee. In the morning, but Amit drinks orange juice to drink. Okay? Or we can say Amit takes orange juice to drink. At 7:45, Amit leaves his house and walks to the bus stop. He tries not to be late for school. Amit comes home from school at 2 in the afternoon. He eats lunch and does his homework. Then he watches television and reads a book or plays with his friends. Okay? So, एक बार पूरा पैराग्राफ आप दोबारा पढ़िए, उसके बाद में अमित की जगह आप I यूज करिए. Okay? So I read out it for you. Okay, I get up at 7 and go into the bathroom to wash. I wash my face and brush my teeth. Then I put on my clothes. My mother and father have coffee in the morning, but I take orange juice. At 7:45, I leave my house and walk to the bus stop. I try not to be late for school. I come home from school at 2 in the afternoon. I eat lunch and do my homework. Then I watch television or read a book or play with my friends. Okay? इसी तरह से आप ये पूरा पैराग्राफ you के साथ बना सकते हैं, we के साथ बना सकते हैं, he, she किसी के साथ भी बना सकते हैं. ठीक है? So अलग अलग प्रोनाउंस के साथ में, नाउंस के साथ में आप ये पूरा पैराग्राफ बनाइए, तो उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी. ओके, सो इन दिस सेशन विल डिस्कस दिस मच ओनली. विल हैव सम मोर एक्सरसाइजेस बेस्ड ऑन प्रेजेंट सिंपल इन आवर नेक्स्ट सेशन. ओके, डू रिवाइज दिस सेशन एंड द प्रीवियस वंस ऑल्सो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन वंस अगेन. बाय बाय.